हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये डे टू का व्लॉग है और हम लोग तैयार होकर अभी भी निकले हैं, अपनी लिफ्ट से नीचे जाने लगे हैं। मैं तैयारी का नहीं बना सकी हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। आज हमने कहा जाने लगा ये आकर डर ये कुछ लगा है डर। हाँ मेरी बात तो कुछ लग गया, लिपस्टिक लग गई है जल्दी में। सारे जा रहे हैं। शुक्र है यहाँ पे सर्दी ज़्यादा नहीं है, 10 टेम्परेचर है अभी और लाइक जैकेट्स और मोटी मोटी जो रज़ाई वाली जैकेट होती है वो नहीं पहननी पड़ रही। ये है मेरे पीछे सारा और सबवे सफर वाला लग रहा है। हेलो दादी, किधर जा रहे हो? हम अभी जा रहे हैं नाश्ता करने और नाश्ते के लिए बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने क्रोसॉन्ट खाना है तो उसके साथ हम फिर मैकडॉनल्ड्स से ही खा लेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है, जो मैकडॉनल्ड्स है वो हमारे भी कुछ सामने ही है वहाँ पे। चले, हमारा इरादा इधर आके था कि हम रेंटा कार टाइप का कर लेंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहाँ सब लोगों ने हमें बताया कि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है और वो आपको लाइक हर जगह पे इजीली पहुँचा देगी। बड़े अच्छे सही सही से रूट्स बने हुए हैं तो कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया करने की। अब ये भी देखिए ना कितनी अच्छी बस है, खास बस हो गई। ट्रैम मैंने नहीं देखी लेकिन बसें वगैरह टैक्सी यहाँ पे सस्ती है और जो अंडरग्राउंड होती है ऊबान टाइप की वो भी अच्छी चल रही है। बच्चों मेरे को वैसे ही बसों में बैठने का इतना शौक है ना इब्राहिम? हेलो। हाँ, वो अभी पार्क जाने से ज़्यादा बस में बैठने के लिए एक्साइटेड हुए हुए हैं। हाँ जी दाऊदी, अब आप किधर आ गए हैं? हम मैकडॉनल्ड्स सारी गाड़ियाँ तेज जा रही हैं और बट वो मैकडॉनल्ड्स वाले शीशे साफ कर रहे, बट वो टेबल साफ कर रहे। अच्छा, और कुछ पता है यहाँ के बारे में? एक अम्ब्रेला है सारे। इतने ज़्यादा है। और आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है? ना ये इब्राहिम को बड़े पसंद है, इब्राहिम फ्रेंच बनता जा रहा है। मुझे खुद बड़े पसंद है, ये बहुत मजे के होते हैं। कैसा ये इधर का कैसा फ्रेंच पावर। अच्छा जी, हम मेट्रो स्टेशन आ गए और यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे टिकट दिखाएंगे तो एंटर हो सकेंगे। लाइक वो जर्मनी वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे कि बैठ जाओ टिकट चेकर आ गया तो टिकट चेक होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है तो ये मोहसिन अब कर रहे हैं। चले वो चले 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 अब दाऊदी की चेकिंग हो रही है। यहाँ से टिकट डाली और यहाँ से निकाली और जाए 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 जाए। अब मेरी बारी है, बंद तो नहीं हुआ। चलो हमारी बस भी आ गई है, आई मीन हमारी ट्रेन भी आ गई है। चलो निकले कर रहे हैं तो इंडिया लग रहा है। हम अभी अब हमने बस पे बैठना है। अच्छा, यहाँ हर जगह पे मोबाइल शॉप्स हैं और मोस्टली यहाँ पे मोबाइल शॉप वाले पाकिस्तानी हैं। मोस्टली दुकानों पे जाओगे तो उर्दू बोल रहे होंगे, लग रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी को वो मोबाइल शॉप वाला कोई मिल गया। हर एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान मोबाइल कवर्स हैंड फ्री वाली है। थोड़े से बाजार देखते हैं साथ साथ। ये देखें सब्जी वाली दुकान कितनी देसी टाइप की है ना। अच्छा, जर्मनी में इतना इस टाइप का नहीं है, चीज़ें इस तरह से नहीं है। जूतों की दुकान, इब्राहिम शूज देखो, मसाज सेंटर। ओके, हम पहुंच गए हैं इस बहुत ही फेमस किस्म के पार्क में। ये इस टाइप का है, मैं भी अंदर जाके आप सबको मज़ीद दिखाती हूँ। तो ये है एंट्रेंस ग्वेल पार्क की, ये लिखा भी हुआ है ग्वेल पार्क और मेरे ख्याल से ये इनका मोज़ेक आर्ट पे सारा कुछ है क्योंकि इनकी बहुत सी सोमिलियर्स भी हैं इस पे। चलें जी, हमारी एंट्रेंस हो गई है,
खेल रहे थे। ये रहे स्टेप्स और हम इसके साथ ऊपर जाएंगे ऐसा ऐसा। ओह, और ये काफी प्यारे प्यारे से ट्रीज एंड सब कुछ। चलो जी, नेक्स्ट है, अब हम ऊपर आ गए। जब दिन नगार समय अंदोले कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये देखिए, मतलब आपको पूरे शहर का व्यू नजर आ रहा है। ये देखिए, अब मैंने नया एक और व्यू आ गया, वो देखें। कल हमने वैसे इस वाले चर्च पे भी जाना, जो कि पता नहीं कितने अरसे से बन रहा है, और वो आगे सी लाइन सारी सी नजर आ रहा है। यहाँ दरख्तों पे ना बहुत ढेर सारे तोते रहते हैं, लाइक पैरट्स हैं ये। चैन चैन लगाई हुई है कब से, ऊपर देख रहे हैं पैरट्स। बच्चों को मौसम में बहुत गर्मी लग रही है, तो इन्होंने कहा हम जरा फेस वॉश कर लें। इब्राहिम आपने भी करना है, आप भी कर लो। अभी तो फरवरी में यहाँ पे ये हाल है गर्मी का, तो जो कोई समर में आएगा वो तो रोस्ट होके वापस जाएगा। तो ये इनके पिलर्स वाली जगह है, मैं बाहर से दिखाती हूँ। देखें छत कितनी मजे की बनी हुई है, और हाँ बहुत ही मजे का स्ट्रक्चर है, बहुत पूरा मोज़ेक से बना हुआ है। देखें ये देखें, तो ये है इनका एंट्रेंस वाली जगह। ये लिज़र्ड है जो कि हर जगह सोवेनियर्स की फॉर्म में भी होती है, मोज़ेक। बाहर निकल के हमें आइसक्रीम शॉप मिल गई फाइनली, और बच्चे से ये वाली लेंगे, मैं भी डिसाइड करती हूँ। अब हम जा रहे हैं वापस रूम्स की तरफ, ताकि बच्चे कपड़े चेंज करके बीच पे अब जाएं, क्योंकि पसंद का ये है कि हमें बीच पे जाना है। दादी किधर जा रहे हो आप? बीच। बीच क्या करना है? सैंड भी लेना है। अच्छा चलें जी, अब बीच डे टू शुरू होने वाला है। बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ें उठा ली हैं, लोग ने कैसल बनाने वाला सामान भी उठा लिया, और इब्राहिम ने भी अपनी सब चीज़ उठा ली है, और अब हम जाने लगे। हाँ जी, रास्ते से हमने थोड़े से स्नैक्स लेने हैं। मेरे हाथ में ऑलरेडी ये वाले स्नैक्स हैं, बड़े मज़ा होते हैं, टाकीज से मिर्चें बहुत होती हैं इसमें। ये ले, पकड़े इब्राहिम भी नजर आएगा पीछे मेरे शायद, हाँ वहाँ पे। एंड हम लोग यहाँ पे जरा थोड़ा बहुत बैठे हुए हैं, जो भी शीट ली थी हमने इधर एक शॉप से वो ये रही, और उस पर हम लोग मजे से बैठे हुए हैं। और शुक्र है कि ज़्यादा तेज़ गर्मी वाला सीन नहीं है, लाइक धूप तेज़ नहीं है, शुक्र है, और मौसम बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए तो बहुत लाइक मजे का मौसम है, आराम से भी खेल रहे हैं। ओके, आई वी फाउंड अ फ्रेंड, इब्राहिम को एक फ्रेंड मिल गया था, उसका नाम क्या था?
था? रुहाओ, उसका नाम था रुहाओ और मम्मी अभी बाय बाय कह के इब्राहिम को चला गया, वो कपड़े पे चेंज करके फिर आया है। तो वो था कहाँ से आया हुआ था इब्राहिम? वो चाइना का था। फिर हमने उसको बताया कि हम पाकिस्तान से हैं और फिर हम रहते हैं जर्मनी में। ये देखें जी, इब्राहिम स्टेडियम बना रहा है इस टाइम पे, जर्मनी वाला। मैं देती हूँ पत्थर आपको। हमने बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करा लिए हैं एंड हम अब फाइनली खाना खाने जा रहे हैं। और रात अच्छा जी, हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने, बर्गर मेकर। इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने खाने शुरू करने से पहले वीडियो भी नहीं बनाई। ये कि अभी चिप्स मंगाई हैं, वो मोस्टली एक चिकन विन खा रहे हैं, बहुत मज़े का चिकन बना रहे हैं। अभी बर्गर आएगा तो उसको हम देखते हैं, लेकिन अब मेरा भी एक बेचारा रह गया है विंग और बहुत टेस्टी है वाकई में था मेरा बर्गर। वैसे मुझे पता नहीं था ब्लैक बन होगा, लेकिन लेट्स सी इस टाइप का। पहले खाना खाएं फिर फोन। जब डबल क्रिस्पी है बट ट्रिपल क्रिस्पी है। इब्राहिम को बहुत अच्छा लगा अपना बर्गर, मोशन को भी अच्छा लगा। और डॉडी आपका चिकन कैसा है? सबको भूख लगी हुई है और मेरा बहुत मजे का बर्गर है वाकई में। खाना अच्छा है बहुत। वी फॉर विक्ट्री। चलो चले जी, अब हमारा आज का दिन भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब हम जाएंगे घर, उससे पहले हम थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे। ये और ये दूसरी जगह बनी हुई है, थोड़ी बहुत ये देखेंगे, बहुत प्यारी लग रही है वैसे, लाइट्स वगैरह सब कुछ। और फिर हाँ जी, और फिर अब हम घर चले जाएंगे। बस आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म कर रही हूँ। कल इंशाल्लाह थर्ड डे पे हमने जहाँ घूमना है वो देखेंगे और बोट वगैरह पे जाना है वो। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।